हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे ज्योमेट्रिक डिजाइन में कैम्बर के बारे में और उसके आईआरसी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे विथ ऑफ पेमेंट या फिर जिसको हम लोग विथ ऑफ कैरिज वे भी कहते हैं, इसके बारे में और इसके आईआरसी रिकमेंडेशंस के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कर्ब्स के बारे में, ट्रैफिक सेपरेटर्स के बारे में, और फिर ग्रेजुअली इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग पहुंचेंगे साइड डिस्टेंसेस पे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा विथ ऑफ पेमेंट, और अगर हो सका तो इसमें हम लोग कर्ब्स को भी ऐड करेंगे। अब विथ ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये आपको जो हम लोग रोड्स के क्रॉस सेक्शन के बारे में समझा रहे थे तो उसमें आपको समझाए थे कि कैरिजवे किसको कहते हैं या विथ ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं। तो किसी भी रोड का वो पोर्शन जिसपे व्हीकल मूव करता है, जो दो शोल्डर्स के बीच में जो हमारा रोड का पोर्शन होता है, जिसको हम लोग हार्ड सरफेस कहते हैं। अगर हम ब्लैक टॉप ले रहे हैं तो जो ब्लैक टॉप सरफेस होगा, या फिर अगर हम लोग कंक्रीट रोड ले रहे हैं तो उसमें जो हमारा कंक्रीट का सरफेस होगा जिसपे व्हीकल मूव कर सकता है, वो कहलाता है कैरिज वे। उसको हम लोग पेवमेंट भी बोलते हैं। तो इस पेमेंट के लिए आईआरसी के बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं कि विथ ऑफ पेमेंट कितना होना चाहिए, किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे, किस तरह के अगर हाईवेज हैं तो हम लोग उस केस में हम लोग किस तरह से विथ ऑफ पेमेंट लेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पे जो आपको विथ ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है वो आपको इस पे मिल रहे होंगे। तो या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या कहता है ये, अब आप सबसे पहले देखिए, विथ ऑफ पेमेंट डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे डिपेंड करता है, विथ ऑफ ट्रैफिक लेन, नंबर ऑफ लेन्स। अब विथ ऑफ ट्रैफिक लेन क्या होता है, वो एक सिंगल लेन जिसपे हमारा ट्रैफिक मूव करता है, जिसपे हमारी व्हीकल एक डायरेक्शन में मूव करती है, वो आपको सिंगल लेन कहलाता है, ट्रैफिक लेन। अब हमारे रोड में अगर दो तरफ से ट्रैफिक मूव कर रही है तो दो लेन, वो दो ट्रैफिक लेन हो जाएगा उसमें। तो ये आपको विथ ऑफ ट्रैफिक लेन की, एक तो हमारा ट्रैफिक लेन कितने विथ का है, उसमें हमारी व्हीकल कितनी साइज की व्हीकल उस पर मूव करेगी, उसके हिसाब से हमारा एक विथ ऑफ ट्रैफिक लेन, और दूसरा नंबर ऑफ लेन्स। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल विथ ऑफ ट्रैफिक लेन अगर आपने एक लेन का डिसाइड कर लिया, तो आपको अगर नंबर ऑफ लेन्स पता रहेंगे तो आप टोटल कैरिज वे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फोर लेन रोड बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहले उसमें सिंगल लेन, एक ट्रैफिक लेन का आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा आईआरसी रिकमेंडेशन के हिसाब से। जब आपका वो फाइनल हो जाएगा तो फिर आप वो नंबर ऑफ लेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कैरिज वे मिल जाएगा। ये हम लोग क्रॉस सेक्शन में आपको कैरिज वे समझाए थे। अगर हम इस इमेज की बात करें तो इस इमेज में जो ये आपको ये ब्लैक वाला जो टोटल आप सरफेस देख रहे हैं, ये आपका कैरिज वे है, और जो आपका ये रेड वाला पोर्शन है ये आपका शोल्डर है, जो रोड के साइड में जो हमारा जो हार्ड सरफेस नहीं होता है, जो हमारा सेमी हार्ड सरफेस होता है या सॉफ्ट सरफेस जो होता है, तो वो हमारा शोल्डर कहलाता है। तो इस कैरिज वे की जो विथ होती है ये हमारी, अगर हम इसको दो लेन में डिवाइड करें, यहाँ से ये हमारा एक ट्रैफिक लेन है, ये हमारा दो ट्रैफिक लेन है, तो हमें पहले ये एक ट्रैफिक लेन के सारे कैलकुलेशंस देखने समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड व्हीकल जो आप इसमें एक, अगर आप ट्रैफिक लेन्स की बात करेंगे तो अब आपको ट्रैफिक लेन किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपका ट्रैफिक लेन का विथ क्या होगा, तो आपको ट्रैफिक लेन में आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना पड़ेगा ना कि इसमें किस टाइप की व्हीकल आएगी। इसमें मीडियम व्हीकल्स आएगी या लार्ज व्हीकल्स आएगी, हैवी व्हीकल्स आएगी, या फिर ये विलेज रोड है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी व्हीकल्स नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आईआरसी ने एक बेसिक स्टैंडर्ड आपको एक मेथड दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं पैसेंजर कार मेथड। आईआरसी ने क्या किया कि हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, हर तरह के व्हीकल्स मूव करते हैं रोड पे, तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या रखा जाए, जो हम जब लेन डिसाइड करेंगे कि हमारा ट्रैफिक कितने विथ का होगा ट्रैफिक लेन, तो उसके लिए आईआरसी ने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड साइज जो किसी भी अगर एक व्हीकल का लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पैसेंजर कार करेंगे। तो पैसेंजर कार को उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इससे कम और इससे ज़्यादा उनका एवरेज हो गया ये पैसेंजर कार पे। तो आगे भी जब आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे तो आप सारे जो कैलकुलेशंस आपके होंगे ना, आप वो सारे आपको पैसेंजर कार्स के बेसिस पे ही होंगे। उसमें वो आपको हैवी व्हीकल भी एडजस्ट हो जाता है, लाइट व्हीकल भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो स्टैंडर्ड साइज आपको पैसेंजर कार का आईआरसी रिकमेंड करता है वो होता है 2.44 मीटर। ये 2.5 मीटर आपको बहुत जगह मिलेगा, बट आईआरसी का जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो है आपको 2.44 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम विथ के लिए जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम 2.44 नहीं लेकर के 2.5 उस व्हीकल का राउंड फिगर में उसका विथ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जब हम लेन का डिसाइड करते हैं तो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड लेंथ की बात की जाएगी, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो स्टैंडर्ड लेंथ 2.44 मीटर होगा। अगर वो नहीं गिवन है तो आप फिर 2.5 मीटर ऑप्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड व्हीकल कार, हो गया आपका पैसेंजर कार, और उसमें आपने विथ डिसाइड कर लिया व्हीकल का कि 2.5 मीटर आपका कार का विथ होगा।
अब आपको जो लेन डिसाइड करना, अगर हम ये टू लेन रोड का टू लेन पेमेंट का आपको ये फिगर है, तो इसमें अगर आपको एक सिंगल लेन डिसाइड करना है तो इसमें आपको एक लेन में अगर आप एक व्हीकल कंसिडर करेंगे, पहली चीज है, तो पहला चीज आपको ये होगा कि आपका एक लेन जो व्हीकल होगा उसका विड्थ होगा 2.5 मीटर। अब व्हीकल जब हाई स्पीड में चलती है तो वो आप उसमें अगर थोड़ा सा भी अपने डेविएशन आएगा तो वो लार्जर स्पेस कवर करेगी। अगर ये आपका ट्रैफिक व्हीकल का लाइन है तो अगर ये बहुत स्पीड में चल रही होगी और थोड़ा सा भी अगर इसका स्टेयरिंग अगर मूव होगा तो ये अप्रॉक्स 500 के आसपास स्पेस कवर कर लेता है, फिर वापस वो अपने ट्रैक पे, अगर आप उसको करेक्ट करेंगे तो ये वापस अपने ट्रैक पे आएगा, लेकिन उतने दूर में ये 500 का स्पेस ले लेता है, ऐसा IRC रिकमेंड करता है हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए। तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक तो स्टैंडर्ड व्हीकल कंसिडर करना होगा, फिर उसके केस में आप हैवी स्पीड को काउंटर करेंगे तो इधर भी 500 और इधर भी 500, दोनों केस में किसी भी साइड में वो जाएगा तो 500 आप अलाउंस रखेंगे, तो आपका टोटल लेन का जो विड्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 मीटर। अब अगर आपका पैसेंजर कार, ये तो हुआ स्टैंडर्ड का, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका हैवी व्हीकल आ रहा है, जो बड़े साइज का व्हीकल होता है, ट्रक्स वगैरह होते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो हैवी व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह और वो जब अपने हाई स्पीड पे चलेंगे तो उनका जो डेविएशन होता है वो कम होता है, जो हमारी पैसेंजर कार होती है उसका जो डेविएशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो क्योंकि वो जो ट्रक होगा अगर उसका साइज यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक है तो उसका डेविएशन भी कम है, तो ये इस मार्जिन में, ये जो हमारा कार के इस बाद जो 500 और 500 का मार्जिन है, इसमें आपका ट्रक्स भी एडजस्ट हो जाता है, इसमें आपका छोटे व्हीकल्स भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड साइज की जो हम बात कर रहे थे वो पैसेंजर कार इसलिए लिया गया था क्योंकि ये जो 2.5 मीटर डिसाइड किया गया इसमें सारे कंसिडरेशन को ध्यान में रखा गया कि आपको कोई मीडियम साइज की भी कार हो सकती है, लार्ज साइज की भी कार हो सकती है, लेकिन कार्स का क्योंकि आपको डिजाइन स्पीड ज्यादा होता है, उनके जो रोड पे जो मूवमेंट होती है, अगर ये हाईवे की अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा होती है, तो उस केस में आपको अलाउंस को ध्यान में रखते हुए 3.5 हुआ। तो जब आप इसको टू लेन का बना रहे हैं तो ये आपको 7 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। ये तो हो गया कि जनरल केस में आपको समझने के लिए समझ में आ गया कि 7 मीटर कैसे डिसाइड हुआ। पहले आपने 3.5 डिसाइड किया, उसके बाद आपका क्योंकि ये टू लेन रोड था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको 7 मीटर हो गया। लेकिन अगर हम सिंगल लेन की बात करेंगे, जो हमारा सिंगल लेन का पेमेंट होगा, उस केस में आपका 2.5 मीटर तो है ही आपका व्हीकल का विड्थ, इसमें आपको जो अलाउंस है ये 625 mm दोनों तरफ रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है, क्योंकि जब आपका सिंगल लेन पेमेंट अगर आप बना रहे हैं और अगर इसमें टू वे मूवमेंट होता है या फिर अगर सामने से एक अगर व्हीकल आता है तो उस केस में वो मार्जिन की वो व्हीकल आपको क्रॉस कर जाए, उसको उसके मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ मार्जिन आपको ज्यादा दिया गया 625 एंड 625, तो आपको ये टोटल लेन विड्थ हो जाता है 3.75 आपको सिंगल लेन के केस में। अब आते हैं इस टेबल पे, क्या IRC किस तरह से आपको विथ ऑफ पेमेंट डिसाइड करता है और किस तरह से 3.75 सिंगल के लिए है तो डबल के लिए वो 7 क्यों हुआ, वो 7.5 क्यों नहीं हुआ, तो वो 7.5 भी होता है, उसके कंडीशंस होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, तो अगर हम इसको, ये है हमारा क्लास ऑफ रोड और ये हमारा विथ ऑफ पेमेंट जो IRC रिकमेंड करता है। तो क्लास ऑफ रोड में हमारा सबसे पहला क्लास है सिंगल लेन रोड, ये जिसका आपका फिगर बना हुआ है, ये आपका सिंगल लेन रोड है, इसमें आपको 3.75 मीटर का जो एक सिंगल रोड होता है ये आपको सिंगल लेन पेमेंट कहलाता है, ठीक है। ये डिजाइन किया जाता है बेसिकली सिंगल व्हीकल के मूवमेंट के लिए, मतलब वन वे ट्रैफिक के लिए ये डिजाइन किया जाता है, बट क्योंकि ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है तो उसमें आपको बोथ वेज मूवमेंट भी होता है, तो उस बोथ वेज मूवमेंट को कंसिडर करते हुए इसका जो विथ होता है वो 3.75 मीटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें वो आपको मार्जिन अगर वन वे के लिए रखा जाए तो आप उसको 3.5 मीटर भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जो हमारा अर्बन सिटीज होता है, अगर हम अर्बन सिटीज की बात करें तो वहां पे आपको अक्सर वन वे ट्रैफिक रूल्स आपको लागू होते हैं, तो वन वे ट्रैफिक रूल्स अगर होते हैं तो उस केस में आप ये 3.75 को आप 3.5 मीटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको सिंगल लेन रोड के केस में पहला कंडीशन। दूसरा, डबल लेन रोड विदाउट रेस्ड कर्व्स। अब आपको डबल लेन रोड तो समझ में आ गया होगा कि डबल लेन रोड इसकी बात हो रही है, लेकिन ये विदाउट रेस्ड कर्व्स, अब ये कर्व्स क्या होते हैं तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझा देते हैं कि जो आपका रोड होता है, कई बार आपने देखा होगा कि ये आपका फुटपाथ होता है और ये रोड के लेवल से थोड़ा राइज किया हुआ रहता है, इस तरह से आपका दोनों फुटपाथ होता है और यहाँ पे आपके व्हीकल की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन जो रेस किया जाता है ये पोर्शन आपको कर्व कहलाता है,
ठीक है, ये पोर्शन अक्सर क्या किया जाता है कि ये कुछ सॉलिड मटेरियल का जैसे कंक्रीट का या किसी ऐसे मटेरियल का कास्ट कर दिया जाता है ताकि ये आपको व्हीकल के मूवमेंट से ये ब्रेक नहीं हो। तो आपका जो ये फुटपाथ होता है ये तो क्योंकि आपका अर्थ का होता है, तो ये अर्थ आपको रोड पे अगर वो आ नहीं जाए उसके लिए आपको एक ये बैरियर का काम भी करता है ये कर्व, और व्हीकल आपके फुटपाथ पे ना चले जाए इसके लिए भी ये काम करता है। अब कर्व्स भी आपको डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये कर्व्स इस तरह के यूज किए जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट कर्व्स, जिसमें आपका रोड डाउन होता है और आपका जो फुटपाथ होता है वो अबोव होता है, और इसके नीचे आपका कभी कभी ड्रेन भी चलता है इस तरह से, तो ड्रेन चलता है तो यहाँ से आपको ड्रेनेज के होल्स दिए रहते हैं ताकि रोड पे जो पानी कलेक्ट होता है वो आपको ड्रेन्स में चला जाए। तो ये कर्व्स अगर आपको रेस करके दिए रहते हैं तो उस केस में डबल लेन, सॉरी ये जब रेस करके नहीं दिए रहते हैं तो उस केस में आप रोड का विड्थ रखेंगे 7 मीटर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका ये इसमें क्या है शोल्डर का भी आपको अलाउंस है, मतलब अगर आपकी व्हीकल इस रोड से डेविएट भी होगी तो वो आपको शोल्डर पे जाकर के वापस अपने रोड पे आ जाएगी, इसका मार्जिन है यहाँ पे, इसलिए विड्थ ऑफ पेमेंट कम रखा गया है। अब इस केस में क्या होता है कि आपका व्हीकल डेविएट नहीं कर सकता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए इस केस में पहले ही आपका जो विड्थ ऑफ पेमेंट है ये 7.5 मीटर कर दिया जाता है, जो आप यहाँ थर्ड वाले में देख रहे होंगे डबल लेन रोड विथ रेस्ट कर्व्स, ये आपको है 7.5 मीटर का। ठीक है, तो कंडीशन समझ में आ रहे हैं कि जब आपके शोल्डर पे स्पेस दिया गया है व्हीकल को जाने के लिए इमरजेंसी केसेस में तो आपका विथ ऑफ पेमेंट कम कर देंगे क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा अलाउंस है, लेकिन इस केस में जब आपके पास एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है तो आपको पहले ही रोड की विथ इतनी रखनी पड़ेगी कि आपको ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ले, जो आपका फास्ट मूविंग व्हीकल में भी जो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है एक्सीडेंटल कंडीशन तो वो उसको सेटिस्फाई कर ले। तो इसका सिंगल लेन आपको हो जाएगा 3.75 और दूसरा वाला भी हो जाएगा 3.75। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेन्स, अगर आपका जो ऐसे अर्बन सिटीज में जहाँ पे आपको व्हीकल की जैसे मार्केट वगैरह के रोड्स होते हैं उसमें आपको व्हीकल के भी पार्किंग का आपको इस ध्यान रखना पड़ता है, तो उस तरह के जो रोड्स होते हैं वो आपको 5.5 मीटर के रखने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको 3.75 या 3.5 का तो आपको ट्रैफिक मूवमेंट होता है और बाकी 2 मीटर्स में आपका ये व्हीकल्स पार्क रहते हैं, इससे क्या होता है कि यहाँ आपका मूवमेंट होता है और यहाँ आपके व्हीकल्स पार्क्ड होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मीटर का आपको अलाउंस रखा जाता है ताकि आपका ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ रहे। तो ये हो गया आपको इंटरमीडिएट लेंस के केस में, यह खासकर अर्बन सिटीज में देखा जाता है, आप बड़े बड़े शहरों में कहीं मार्केट वगैरह जाते होंगे तो वहां आप देखे होंगे कि गाड़ी की पार्किंग आपको कार की साइड्स में ही होती है रोड्स के, तो वो उस समय उस रोड में इतना अलाउंस होता है तो उस रोड पे ही आपको ऑफिशियल पार्किंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको मल्टी लेन रोड्स, जैसे कि हम लोग अपने नेशनल हाईवेज की बात करते हैं या हमारा एक्सप्रेस हाईवे हो गया, 4 लेन रोड्स हो गए, तो कभी कभी आपको 4 लेन रोड के बदले 6 लेन रोड भी हो जाता है, तो उसमें आपको 3 लेन्स ऑन ईच साइड होते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा लेन्स जो आपको एडजस्ट होते हैं, जैसे अगर आप 2 लेन की बात कर रहे हैं तो ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन, अब आपका 2 लेन एक साइड है 2 लेन एक साइड है, लेकिन अगर आप इसमें 1 लेन और एक्स्ट्रा एडजस्ट करना चाह रहे हैं ये 3 लेन बनाना चाह रहे हैं तो वो मल्टी लेन रोड में आपको 3.5 मीटर पर लेन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 8 लेन का बनाएंगे तो फिर आपको 3.5 करके आपको पर लेन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 2 लेन का कंडीशन यही रहेगा, इसमें आपका 3.5 मीटर पर लेन के हिसाब से ये आपका एक्स्ट्रा ऐड होते चला जाएगा। तो ये सारे वो रिकमेंडेशंस हैं जो IRC कहता है विथ ऑफ पेमेंट के बारे में। तो आई होप आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर समझ में आ जाए तो ये वैल्यूज अपने आप याद हो जाते हैं। और ये याद रखने इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है एक सिंगल किसी एक के लिए, जैसे डबल लेन रोड विथ रेस्ट कर्व्स, इसके लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 4 वैल्यूज दिए रहेंगे। दूसरा, आपको अगर आपको सीधा विथ ऑफ पेमेंट पे अगर आपको एक नोट लिखने कहता है तो इस नोट में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको सेटिस्फैक्ट्री है, आप ये इन्फॉर्मेशन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक सेपरेटर्स के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मेडियंस। अब मेडियंस क्या होता है ये इस इमेज से समझिए, ये आपका फुटपाथ है, ठीक है, ये आपका कैरिज वे है। अब ये अगर आप ऑपोजिट लेन को अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रही है वो उसके बीच में और आपके एक डायरेक्शन में जो मूव हो रहा है व्हीकल उसके बीच में जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो आपको हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करता है, जो आपको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो स्पेस दिया जाता है वो स्पेस आपको कहलाता है मेडियन। जिसमें आप ये प्लांटेशन देख रहे हैं ये बीच का पोर्शन आपका मेडियन कहलाता है, इसको हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर भी कहते हैं। अब
ये मेडियन जो है इसका पर्पस बहुत सारा है। पहला पर्पस आपको हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करना है, ये आपके व्हीकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका व्हीकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन एनी केस आपका हेड ऑन कॉलिजन इस अगर आप मेडियन प्रोवाइड करते हैं जो आपके आईआरसी रिकमेंड करता है उसके हिसाब से, तो आपका ये हेड ऑन कॉलिजन अवॉइड हो सकता है, क्योंकि बहुत अनलाइकली है कि ये व्हीकल उस पार जाकर के इस व्हीकल से बिल्कुल हेड टू ऑन कॉलिजन होगा, ये बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पर्पस। दूसरा पर्पस इसका क्या हुआ कि जो आपको हेडलाइट जो ग्लेयर आता है अगर आप रात में ट्रेवल करते हैं रोड पे, तो जो आपके सामने व्हीकल वाले व्हीकल का जो हेडलाइट ग्लेयर आता है जो इस वाले व्हीकल के ड्राइवर को लगता है आंखों में, तो वो आपको अवॉइड हो जाता है जब आप मेडियंस प्रोवाइड करते हैं कुछ रिकमेंडेशन के साथ। जैसे 6 meters मिनिमम अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका ये जो हेडलाइट ग्लेयर है ये आपका रिड्यूस हो जाता है, फिर आपको इस वाले ड्राइवर को अपना वाला रोड जो है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका पर्पस है। थर्ड पर्पस है इसका कि अगर आपको कल को फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करना है और आप अगर एक अर्बन सिटीज में हैं, तो अर्बन सिटीज में आपको इस फुटपाथ के बाद अगर किसी का ये बिल्डिंग लाइन है तो यहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और उस साइड भी अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो बन जाता है, तो फिर आप कल को फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, और अर्बन सिटीज में लैंड बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए सारे कंडीशंस को पहले ही जज कर लिया जाता है और बीच में जो मेडियंस है वो इतने प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि कल को अगर एक्स्ट्रा ट्रैफिक को अगर एकोमोडेट करना हुआ और एक लेन अगर आपको 3.5 meters का और एडजस्ट करना पड़ा तो वो आपको इसी मेडियंस में से एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये तीन आपको मेन पर्पस है मेडियंस के। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बता दिए तो मिनिमम मेडियन का जो विड्थ है ये 8 meters to 14 meters है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हेडलाइट ग्लेयर को रिड्यूस रखना है तो उसके लिए एटलीस्ट 6 meters आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के केस में 8 to 14, हेडलाइट ग्लेयर को अगर रिड्यूस करना है तो 6 meters, ये IRC रिकमेंड करता है। उसके बाद डिजायर्ड मिनिमम कि अगर आपको मिनिमम बिल्कुल ये कहा जाए कि जो आपको रिक्वायर्ड है जो IRC रिकमेंड करता है कि ये आप प्रोवाइड कीजिए अर्बन सिटीज़ में खासकर, तो वो आपको है 5 meters का। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आपको जो एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब इससे कम और नहीं हो सकता है आपको कर्व मीडियन, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं 1.2 meters का, ये आपको मिनिमम है। और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये आपको इस साल 2020 के गेट एग्जाम में भी आ चुका है 1 mark के क्वेश्चन में कि आपका एब्सोल्यूट मिनिमम विथ ऑफ मेडियन कितना होता है एज पर IRC रिकमेंडेशंस, तो वो आपको 1.2 meters का होता है। और अगर डिजायर है मतलब अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो बेस्ट सुटेबल कंडीशन है तो वो है आपको 5 meters का, कि 5 meters तो आपका डिजायर्ड है अर्बन सिटीज में। अब आपको कुछ IRC के और रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सारे हैं जिसमें से अभी आपको यहाँ कुछ है, उसके बाद आपको बताएंगे कि जब आपका ये हो गया आपको रूरल हाईवेज और अर्बन्स के लिए और ब्रिजेस के लिए, फिर इसके बाद आपको इसको इरेज करके बताएंगे कि आपका अगर एक्सप्रेस हाईवे होता है तो उस केस में आपका मेडियंस में अगर आप डिवाइडर देते हैं तो क्या होता है, नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो भी बात करेंगे। तो अब सबसे पहला आपका रूरल हाईवेज के लिए, जो आपके रूरल एरिया से जो हाईवेज क्रॉस करते हैं उन केसेस में आपको मेडियन विड्थ जो होता है वो आपको 5 meters डिजायर्ड होना चाहिए, ये आपका कंडीशंस है। और अगर लैंड अवेलेबल नहीं हो, अगर बहुत इश्यूज हो उसमें से आप बहुत कम लैंड अचीव कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट 3 meters का मेडियन तो आप प्रोवाइड कीजिए ही, ये आपका रूरल एरियाज के केस में कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन तो एक है ही कि ये आपको डिजायर्ड है कि 6 meters आपको हेडलाइट ग्लेयर के लिए रखना चाहिए, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो 5 meters भी अगर आपका पॉसिबल नहीं हो तो फिर आपको 3 meters इससे कम आपको किसी भी हाईवेज में रूरल हाईवेज में नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद आते हैं ब्रिजेस में, लॉन्ग ब्रिजेस जो अगर हमारे 1 kilometer के या 2 kilometer के उससे ज़्यादा जो हमारे ब्रिजेस होते हैं तो उसमें जो आप ट्रैफिक सेपरेटर रखते हैं वो आपको 1.2 to 1.5 meters के बीच में रखना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते हैं हाईवेज में, क्योंकि ब्रिजेस में, क्योंकि आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो है वो एक कॉस्टली अफेयर होता है, तो उसमें अगर आप 2 meters के या 3 meters के 5 meters के अगर आप मेडियंस प्रोवाइड करेंगे तो वो जो ब्रिज का कॉस्ट है पर मीटर में वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम लोग ब्रिज में सिर्फ हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड रखने के लिए 1.2 to 1.5 meters का ट्रैफिक सेपरेटर देते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रैफिक भी अपने डायरेक्शन में रहता है और हेड ऑन कॉलिजन या किसी एक्सीडेंट को भी ये रिड्यूस करता है। इसके बाद अब जब हम लोग अर्बन सिटीज़ में आते हैं तो अर्बन सिटीज़ में जब हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपको 1.2 meters मिनिमम होना चाहिए, जो हमारा एब्सोल्यूट है, मतलब इससे कम तो वो वैसे भी प्रोवाइड नहीं हो सकता था। तो अर्बन सिटीज़ में क्योंकि लैंड स्पेस का प्रॉब्लम होता है तो उस केस में हम लोगों को 1.2 ये मिनिमम अर्बन सिटीज़ में आपको इंटरसेक्शन में जहाँ पर आपकी टर्निंग्स आती है वहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसमें अगर आपको राइट टर्निंग व्हीकल का भी अगर आपको सिस्टम अवेलेबल है, क्या एक तो होता है आपको पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए तो उसमें तो 1.2 meters है, लेकिन अगर आपको व्हीकल के वहाँ से यू टर्न लेने का या राइट लेने का वहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे जो आपको मीडियन होगा वो एटलीस्ट 4 to 7.5 meters का होगा,
अब ये क्यों होगा? क्योंकि जब आपका व्हीकल राइट टर्न ले रहा होता है तो वो व्हीकल सामने से जब व्हीकल आ रही होती है वो एज्यूम क्या करके चलता है कि ये व्हीकल या तो सीधा जाएगा या राइट टर्न लेगा। तो वो राइट टर्न ले रहा है या नहीं वो उसको जब तक विजिबल होगा, और उसको कहते हैं शेडोइंग, कि उसको ये शेडो आ जाएगा कि ये राइट टर्न ले रहा है या लेने वाला है, तो उस पर जो उसका रिएक्शन टाइम होगा, फिर उस पर वो व्हीकल को स्टॉप करेगा या फिर स्लो करेगा, तो वो पॉसिबिलिटी के लिए आपको 4 to 7.5 meters का हम लोग मेडियंस देते हैं, क्योंकि उतने में आपका व्हीकल जब तक राइट होगा तो 4 meters डिस्टेंस जब तक वो कवर करेगा तो सामने वाली व्हीकल या तो स्टॉप हो जाएगी या तो फिर स्लो हो जाएगी या फिर अपना लेन चेंज कर लेगी। तो इसके लिए आपको 4 to 7.5 meters ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे भी वो वैल्यूज हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आपको ये इस तरह से आ सकते हैं कि अगर आपको लॉन्ग ब्रिजेस पे आपको कितना होना चाहिए, बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक्सप्रेसवेज के लिए या फिर आपको जो मिनिमम या फिर डिजायर्ड होता है उस पर ही आता है। तो ये भी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके नोट करने के लायक है, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है या तो आपको एक टोटल टॉपिक आ सकता है इस पे कि आप मेडियंस या ट्रैफिक सेपरेटर्स को डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको ये इमेज के साथ आपको कंप्लीट चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो भी आपको इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ये याद होने चाहिए। अब इसमें अभी एक और टॉपिक डिस्कस करना है जो है हमारा, ये तो था रूरल हाईवेज के लिए। अगर हम लोग बात करें एक्सप्रेस हाईवेज के लिए, एक्सप्रेस वेज में मेडियंस में कई बार बैरियर्स दिए हुए रहते हैं। ये बैरियर आपको व्हीकल के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए होता है। कई बार ये आपको प्लांटेशन वगैरह होते हैं, इस बैरियर के दोनों तरफ छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारा पर्पस होता है। तो ये अगर आपको जैसे कि लेन क्रॉस पेडेस्ट्रियंस के लिए अगर ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि आपको पेडेस्ट्रियंस कहीं से भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेस वे हैवी मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए होता है, तो उस केस में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए फुट ओवर ब्रिज प्रोवाइड किया जाता है, तो उस केस में ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए भी आपको बैरियर्स दिए जाते हैं। तो जब हम लोग एक्सप्रेसवेज की बात करेंगे, इससे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे जो हमारे नॉर्मल नेशनल हाईवेज थे, हमारे रूरल अर्बन दोनों के लिए, और जो हमारे अर्बन रोड्स थे उनकी बात हो रही थी। अब बात हो रही है सिर्फ एक्सप्रेसवेज की। तो जब एक्सप्रेसवेज में आपको इस तरह से बैरियर्स प्रोवाइड होंगे या नहीं प्रोवाइड होंगे, तो उसके लिए भी IRC आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है। जैसे कि अगर आप ये वाला बैरियर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, या आपका बैरियर नहीं रहता है, तो उस केस में जो आपका ये मेडियन का जो विथ हो जाएगा ये मिनिमम आपको होना चाहिए 10 mm मिनिमम होना चाहिए, और जो डिजायर्ड है, जो IRC कहता है कि अगर पॉसिबल है लैंड विथ अगर अवेलेबल है तो फिर ये मेडियन आपको 15 meters का होना चाहिए जब आपको ये बैरियर नहीं प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर जब आपको ये बैरियर प्रोवाइडेड है तो फिर आपको जो मिनिमम विथ हो जाता है ये आपको डिजायर्ड विथ कह सकते हैं इसको, ये 4.5 meters हो जाता है, क्योंकि जब आप बैरियर दे देते हैं तो आपके जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर आपके जो हेड ऑन कॉलिजन्स है उसके चांसेस जो है ये कम हो जाते हैं, तो आपको व्हीकल का जो एक पाथ है ये आपको डिफाइन हो जाता है। तो उस केस में आप मेडियन के विथ को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आपको लैंड विथ अगर स्पेस अवेलेबल हो तो आप उस केस में आप अपने साइड्स में अपने अवेलेबल रख सकते हैं और आपको मेडियन को है 4.5 meters कर सकते हैं। तो ये सिर्फ तब होगा जब आपको यहाँ पे बैरियर्स प्रोवाइडेड रहेंगे। लेकिन अगर आप बैरियर्स प्रोवाइडेड हो लेकिन इसके साथ साथ आपको कहीं यहाँ पे एक पियर्स भी एडजस्ट करने पड़ते हो, ऊपर से अगर आपका कोई ब्रिज जा रहा हो इस तरफ से या इस तरफ से, तो उसके लिए अगर आपको पियर्स या कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स वो करने पड़ते हो, एडजस्ट करने पड़ते हो, अगर आपको यहाँ से आप देखते हैं कई बार होल्डिंग वाला बोर्ड लगा रहता है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो आपका हो जाता है मेडियन विथ वो आपको 8 meters रिक्वायर्ड हो जाता है, क्योंकि आपको जब स्ट्रक्चर्स आने हैं फिर आपको अगर इसके बगल से आप यहाँ से अपना बैरियर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पियर्स तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे या दो जगह पे कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे होगा, लेकिन बैरियर्स तो आपको थ्रू आउट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या कई बार आप बीचों बीच भी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं जो पियर टू पियर आपको बैरियर्स प्रोवाइडेड होते हैं, खासकर जब आप मेट्रो कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से आपको बैरियर्स दिखाई देते हैं। तो इस केस में जब आपका स्ट्रक्चर भी आता है तो ये 8 meters आपको डिजायर्ड रखना पड़ता है, आपका मेडियन का विथ ये इंक्रीज हो जाता है। अगर सिर्फ मेडियन सिर्फ बैरियर रहता है तो 4.5 meters, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आता है तो 8 meters। इसके बाद जो हमारा एक्सप्रेसवे का हम लोग फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो उस केस में जो हमारा डिजायर्ड होता है वो होता है 15.5 meters। ये जो आपका 8 to 14 meters था ये नेशनल हाईवेज और अर्बन रोड्स के लिए आपका डिजायर्ड था, लेकिन ये अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो 15.5 meters आपका डिजायर्ड है। लेकिन इन एनी केस ये आपको 12 meters से कम नहीं हो सकता है, 12 meters आपको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए आपको रखना पड़ेगा, चाहे तो आप उसको मेडियन में प्रोवाइड करके रखिएगा या फिर आपके शोल्डर्स में आपको वो एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल होगा कल को फ्यूचर एक्सपेंशन आपको एक्स्ट्रा लेंस एडजस्ट करने के लिए।
तो ये सारे हैं आपको मेडियन से जुड़े हुए, जो इसको हम लोग ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं, उससे जुड़े हुए ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको काम के हैं। इससे और अलग कुछ नहीं है, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट इसका जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपको सिर्फ यही है। ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ये मार्क्स गेन करने में भी काम आएगा, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने में भी काम आएगा। तो आई होप आज के वीडियो में जो हम लोग विथ ऑफ कैरिज वे पढ़े और हम लोग मेडियंस या ट्रैफिक सेपरेटर्स के बारे में पढ़े, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।